नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं रीड न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। आपदा में भी प्रदेश कांग्रेस सरकार ने लोगों पर कुछ रहम नहीं किया। प्रदेश में सुख का नया दौर वैट बढ़ाकर शुरू किया गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के आपदा प्रभावित क्षेत्रों के दौरे के दौरान सुजानपुर के सचुही मीडिया कर्मियों से रूबरू होते हुए ये बात कही है। वे धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा कर यहां पर पहुंचे थे। यहां पर उन्होंने सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में आपदा प्रभावित लोगों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। हिमाचल कांग्रेस सरकार के पेट्रोलियम पदार्थों में वैट बढ़ोतरी पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार का यह गलत निर्णय है, कांग्रेस सरकार को यह निर्णय वापस लेना चाहिए। आपदा के समय में जनता के ऊपर पहले से ही बोझ है। केंद्र सरकार ने एक नहीं बल्कि दो दफा टैक्स में कमी की है, लेकिन गैर भाजपा शासित प्रदेश सरकारों ने कर लागू करके जनता पर अधिक बोझ डाला है। हिमाचल सरकार भी यह कार्य कर रही है, यह प्रदेश की जनता के साथ अन्याय है। प्रदेश कांग्रेस सरकार ने पहले संसाधनों को डिनोटिफाई किया और फिर कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया। कांग्रेस के सत्ता में आने से प्रदेश में जनता का दुख बढ़ा है, सुख का कोई नया दौर नहीं है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रदेश भर में आई आपदा पर प्रदेश सरकार जल्द लोगों को राहत प्रदान करे। केंद्र सरकार की तरफ से 400 करोड़ से अधिक की सहायता हिमाचल को दी गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सिक्कू की केंद्र सरकार से हिमाचल में आई त्रासदी को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि 2008 में कांग्रेस सरकार के समय में राष्ट्रीय आपदा को लेकर क्या निर्णय हुआ था उसको पढ़ लेना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा हिमाचल प्रदेश को प्राथमिकता दी है और मोदी सरकार ने हिमाचल की आगे बढ़कर मदद की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के निर्देशों पर सभी नेता आगे बढ़कर कार्य कर रहे हैं। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि चंद्रयान 3 अपने आप में इतिहास रचेगा। भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों में आता है जिन्होंने सोलर मिशन को आगे बढ़ाया है। चंद्रयान 2 में भी बहुत हद तक सफलता मिली थी, लेकिन चंद्रयान 3 से अधिक उम्मीदें हैं। भारत के वैज्ञानिकों ने दुनिया भर में भारत का नाम रोशन किया है। भारत के इस कदम से साइंस और टेक्नोलॉजी को देश में और अधिक बल मिलेगा। 2008 में कांग्रेस की सरकार के समय राष्ट्रीय आपदा को लेकर क्या निर्णय हुआ एक बार जरा उसको पढ़ लेना चाहिए। और मैं इतना ही कहूंगा, हमने मदद हिमाचल की बार बार की है, मोदी जी ने हिमाचल को सदा प्राथमिकता दी है, विकास के प्रोजेक्ट तो दिए ही, लेकिन जब भी मदद की आवश्यकता पड़ी तो सबसे पहले आगे बढ़ चढ़कर मोदी जी की सरकार आई। मोदी जी ने स्वयं मुख्यमंत्री से बात की, हम सब लोगों को भी कहा, हम सब लोग भी फील्ड में हैं और हम सब प्रयास करें कि इसमें आपदा के समय इस संकट से निकालकर हिमाचल को लाया जाए। और जो भी मदद केंद्र सरकार से होगी हम वो कर रहे हैं। चंद्रयान 3 एक अपने आप में इतिहास रचेगा, क्योंकि जिस तरह से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है, दुनिया के 200 से ज़्यादा देशों में भारत उन गिने चुने 3-4 देशों में नाम आता है जिसने सोलर मिशन को आगे बढ़ाया है। और मैं इसको इतना ही कहूँगा कि चंद्रयान को भेजना लगातार, दूसरा भी हमारा जो चंद्रयान 2 था उसमें भी बहुत हद तक हम सफल रहे थे, लेकिन चंद्रयान 3 से बहुत सारी उम्मीदें हैं। 40 दिन का और इंतज़ार रहेगा, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है हमारे साइंटिस्ट ने जो पूरी दुनिया भर में भारत का नाम रोशन किया है, हमें उस पर गर्व होना चाहिए। इससे युवाओं को भी बहुत प्रेरणा मिलती है कि चंद्रयान 3 जाने के बाद ये जो प्रयास है हमारे, इससे साइंस और टेक्नोलॉजी इन दोनों को बहुत बल मिलेगा। सर, मणिपुर बाढ़ के कारण काफ़ी नुकसान हिमाचल प्रदेश में हुआ है और धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में भी, जिला मंडी में जिस तरह से मैंने देखा, बहुत सारे स्थानों पर जहां कई वर्षों तक कभी पानी स्तर तक नहीं आया था वहां तक आया भी और कई लोगों के मकानों को, दुकानों को, रास्तों को नुकसान हुआ है। और जहां एक और हमारा निवेदन है राज्य की सरकार से कि जल्द सहायता राशि उन लोगों को दें जिन लोगों के घरों का नुकसान हुआ है या जिनके घरों को खतरा बना हुआ है। बहुत सारे घर ऐसे हैं जहाँ पर लाश से ढह गए हैं या फिर ऐसा है कि उनकी रिटेनिंग वॉल है ही नहीं,
अब कहीं पे कुछ खतरा होता है तो उनका पूरा का पूरा घर जा सकता है। आईटीआई जैसे तरह धर्मपुर में बन रहा था तो उसमें भी पूरा रिटेनिंग वॉल ही निकल गई है, नीचे घरों को खतरा खड़ा हुआ है। दूसरा, केंद्र सरकार की ओर से अब तक लगभग 400 करोड़ रुपये से ज़्यादा की सहायता हिमाचल प्रदेश की मोदी सरकार ने की है। इसके अलावा 13 बटालियनें एनडीआरएफ की लगातार यहाँ पे काम कर रही थी। इंडियन एयरफोर्स के 2-2 हेलीकॉप्टर राज्य में लोगों की जान बचाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। जितनी मदद केंद्र सरकार की ओर से चाहिए थी नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के लोगों के माध्यम से, वो भी यहाँ पर आए हैं। जो मांगा वो देने का कार्य किया है। हम चाहते हैं कि राज्य की सरकार भी तेज गति के साथ लोगों के जो सड़कों का नुकसान हुआ उसको जल्द से जल्द ठीक करवाए और जिनके घरों का नुकसान हुआ उनको जल्द से जल्द सहायता राशि दे। जो केंद्र की ओर से पैसा हमने भेजा है, जब आपदा एक तरफ से आप देखें मौसम खराबी के कारण जो आपदा पूरे प्रदेश में आई तो उस पे भी सरकार ने कुछ रहम नहीं किया। ये सुख का नया दौर वैट बढ़ाकर है कि जनता के ऊपर पहले ही बोझ था, अब 3 रुपए अगर वैट में बढ़ जाते हैं तो उससे और नुकसान होता है। ये केवल पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ते, इससे पूरे महंगाई को बढ़ावा मिलता है। ये राज्य की सरकार के द्वारा उठाया गया एक गलत कदम है जिसको शीघ्र वापस लेना चाहिए। जनता के हित में ये जो वैट में बढ़ोतरी की है इसको वापस लिया जाए और आम जनता पर बोझ ना डाला जाए। एक और तो केंद्र की सरकार ने एक बार ने 2 बार टैक्सेस में कमी की कि देश भर के लोगों को राहत मिले, लेकिन जहां गैर भाजपा शासित सरकारें हैं वहां पर लगातार वैट को बढ़ाया गया और आम जनता पर बोझ डाला गया। अगर आप होलसेल प्राइस इंडेक्स देखेंगे WPI, अगर आज तक का सबसे कम रहा तो आजकल चल रहा है। ये केंद्र की सरकार के प्रयासों के कारण हुआ, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर वैट को बढ़ाकर लोकल टैक्सेस को बढ़ाकर आम जनता पर बोझ डाला जाता है। उनमें से एक हिमाचल प्रदेश है। जो जनता के साथ हो रहा है वो अन्याय है। पहले इंस्टीट्यूट्स को बंद किया गया, फिर लोगों को राहत नहीं दी गई। जो कोविड के समय लोग लगे थे जिनको नौकरियां मिली थी उनको भी मेडिकल स्टाफ वालों को छुट्टी कर दी गई है। ये सरकार आने से लोगों के दुख बढ़े हैं, सुख का कोई नया दौर नहीं सर। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रीड न्यूज़।